Good morning, children. Today we are going to discuss the second lesson of EVS of class 4. The name of the lesson is Living Thing and Non-Living Things. Living Things and Non-Living Things. As we already have discussed in previous class, in class 3, that things which are alive, they are called living things, and the things which are not alive, they are called non-living things. Things saman ya jo cheez jo jeevit hai use hum living thing kehte hain, aur jo cheez jeevit nahi hai use hum non-living kehte hain. So in this class, in class 4, we are going to read about few more points about living thing and non-living things. Class 4 में, इस class में हम कुछ points दिए हैं living thing और non-living thing के बारे में, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं. Okay? First of all, movement. First of all, movement. Movement means चलना फिरना. चलना फिरना. Living things can move. अगर हम living things में देखें, तो living thing जो है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Except plants और trees को छोड़ के. You see, living things, animal, human beings, birds, insects, ये जो living things है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. And non-living things. You take the example of this duster. This duster is non-living thing. इसमें जान नहीं है, and this is non-living thing. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. Take the example of this book. This book do not have life. इसमें जान नहीं है, ये जीवित नहीं है. This is non-living thing. ये non-living thing है, और ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. So, these are the characteristic that living things can move from one place to another and non-living things cannot move from one place to another. Second one is respiration. Respiration. Respiration means breathing. Taking breath. या breathe. हाँ, सांस लेना. लिविंग थिंग जो है, इंसान हो, ह्यूमंस, अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या ट्रीज और प्लांट्स, दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. वो सांस लेते हैं, वे जीवित हैं. एग्जाम्पल एंड इन नॉन लिविंग थिंग्स. अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस डस्टर. एज दिस डस्टर इज नॉन लिविंग थिंग, This duster do not breathe. ये सांस नहीं लेता. It doesn't respire. Second, again I'm taking the example of this book. This book is non-living thing. ये भी सांस नहीं लेता. Take the example of this pen or marker. इसका example लीजिए, ये भी non-living thing है, ये भी सांस नहीं लेता. And the third one is growth. Growth means बढ़ना. Growth means बढ़ना. Example, let's take the example of living thing. Living thing का example अगर लेते हैं, take the example of human baby. इंसान के बच्चे को आप example लीजिए, as they are living thing. पहला जो बच्चा वो छोटा है, छोटा, धीरे 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 वो बड़ा होता है. They grows, वो बड़ा होता है और एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है, लंबा बन जाता है. एंड अगर एग्जांपल लेते हैं अदर एनिमल्स, बर्ड्स, वो भी देखिए, उनका जो बच्चा है वो छोटा रहता है और धीरे 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 वो बड़ा होता है. दे ग्रोस और ग्रोथ. टेक नाउ इन नॉन लिविंग थिंग्स, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बुक अगेन. दिस इज नॉन लिविंग थिंग. अगर आप इस बुक्स को आज यहाँ पे रख देते हैं, आफ्टर 5 years, इफ यू कम हियर एंड सी द लेंथ ऑफ दिस बुक, इट विल रिमेन सेम.
ये ऐसे ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं. दिस इज नॉन लिविंग थिंग, इट डज नॉट ग्रो, ये बढ़ता नहीं है. ओके, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टिक. ये स्टिक का एग्जाम्पल ले लीजिए. ये स्टिक जो है एक नॉन लिविंग थिंग है. आफ्टर 10 years, इफ दिस स्टिक इज हियर, अगर ये रहता है यहां पे, इफ दिस स्टिक विल बी हियर, अगर ये रहता है यहां, ये बढ़ेगा नहीं. दिस इज नॉन लिविंग थिंग, इट डज नॉट ग्रो. एंड द फोर्थ पॉइंट इज फील्स एंड रिएक्ट. लिविंग थिंग्स फील्स एंड रिएक्ट. एनिमल ह्यूमन बींग्स को फील होता है और वो रिएक्ट करते हैं. लेट्स, अगर गर्मी कुछ मान लीजिए एक गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रखा है और कढ़ाई को बहुत देर से हमने फ्लेम के ऊपर रखा है और वो गर्म हो रहा है. व्हेन वी टच दैट, जो पैन वगैरह है उसको हमने अगर छुआ अपने हाथों से, विल फील हॉट. ये स्किन के वजह से हमें वो गर्म लगेगा, बिकॉज वी आर लिविंग थिंग, हम लिविंग थिंग है, हमें फील होता है. अगर मान लीजिए वही पैन जो बहुत देर से जो आपका गैस के फ्लेम के ऊपर है वो गर्म हो रहा है, उसी को अगर हम इस दस्तर से टच करेंगे तो इस दस्तर को कुछ एहसास नहीं होगा. दिस दस्तर विल नॉट फील एनीथिंग एंड इट विल नॉट इरेक्ट. इसे कुछ फील भी नहीं होगा और ये कुछ रिएक्शन भी नहीं देगा. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग अबाउट मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड फील्स एंड रिएक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन. लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन. सो लिविंग थिंग्स डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स, जिस तरह से वो खाना खाते हैं, तो लिविंग थिंग्स को जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है. दे आर हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. प्रीवियसली क्लास थ्री ऑल्सो वी हैड डिस्कस अबाउट हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. एंड लेट्स डिस्कस वंस मोर, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट आर हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स, ये तीनों क्या है. हर्बीवर्स मीन्स those animals which only eats plants and plants product. जो प्लांट खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम herbivores animals कहते हैं या herbivores कहते हैं. The next one is carnivores. Carnivores are those animals which eat meat and flesh. जो meat और flesh of other animals, दो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं उसे हम कार्निवर्स कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज ओमनिवर्स. ओमनिवर्स आर दोस एनिमल्स जो बोथ, दे ईट बोथ, हर्बीवर्स और कार्निवर्स जो है ये दोनों को ही खाने वाले, उन्हें ओमनिवर्स कहा जाता है. सो टेक द एग्जांपल ऑफ हर्बीवर्स. हर्बीवर्स के लिए अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो यू कैन टेक एग्जांपल लाइक काउ, गॉट, हॉर्स, ये सब जो है हमारा क्या है, हर्बीवर्स. कार्निवर्स लायन, ओके, टाइगर, ओके, दे आर कार्निवर्स. एंड ओमनिवर्स यू कैन टेक एग्जांपल लाइक ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमंस, एग्जांपल ह्यूमंस, डॉग्स, ओके, दे आर few example of this herbivore, carnivore and omnivore. ये लोगों का जो मैंने कुछ example आपको बताए गए हैं. But you can see in your book also, the lesson number 2, you can see, go to the page number 10, where you had few more animals name and they are divided accordingly
accordingly to herbivore, carnivore and omnivore. इनके हिसाब से एनिमल्स का नाम भी लिखा गया है. ओके Now the next point is excretion. Excretion means removes waste materials from body. The undigested food, the food we eat, जो खाना हम खाते हैं, the undigested food, जो खाना हम पचा नहीं सकते, हमारा internal organ जो खाना नहीं पचा सकता है, जिसे हम अपने body से बाहर करते हैं, okay? That process is called excretion. And excretion happens to human beings, birds, insects and other animals. So, इनके लिए living things में ये excretion भी होता है. Okay? Yes, the another topic of living things is reproduction. Reproduction. Reproduction happens in living things. Reproduction means to reproduce. To reproduce or give birth to new young ones. Give birth. जन्म देते हैं वो young ones को. बच्चे को फिर से जन्म देते हैं. It happens in living things. Whether animals, human beings, birds, insects, ये सभी जन्म देते हैं. कुछ अंडों के माध्यम से, like birds, birds में अगर आप देखें तो पहले अंडा होता है, फिर चूजा निकलता है, उससे वो फिर से धीरे धीरे bird बनता है. Okay? In plants में अगर आप देखेंगे तो seed के माध्यम से, छोटा गुठली के माध्यम से वो धीरे धीरे seedling बनता है, छोटा सा रहता है प्लांट, उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ बनता है. इट मीन्स दे आर रिप्रोड्यूस, वो बर्ड कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं. वैसे वो कुछ भी हो सकता है, वो जैसे बर्ड्स अंडा दे रहा है फिर वो बर्ड बन रहा है, उसी तरह से बच्चे का एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा बन रहा है. जानवरों में भी धीरे धीरे बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. इट मीन्स लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो है रिप्रोड्यूस करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या नो, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते. सो फाइनली वी लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. एंड यस, रिमेंबर दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. इनमें जितना कुछ भी दिया गया है, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इनमें से एक भी पॉइंट नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता. ओके, सो In this lesson, we learned all about this, about living things and non-living.